दिल्ली के JNU में एक बार फिर हिंसा। रविवार देर शाम कुछ लोगों ने किया हमला, रॉड से तोड़े हाथ पैर। JNU छात्रों ने बताई आप भी। JNU हिंसा में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस, कई हमलावरों की हुई पहचान, क्राइम ब्रांच करेगी जांच। JNU मामले में अरविंद केजरीवाल की बैठक, पार्टी नेता और मंत्रियों के साथ की बातचीत, दिल्ली सीएम ने उपराज्यपाल से की थी बात। मुंबई के नागपाड़ा की एक इमारत में लगी आग, हादसे में 5 अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर। तो वहीं यूपी बिहार में शीतलहर, दिल्ली में ठंड से राहत, अगले कुछ दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी होने का पूर्वानुमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हिंसा भड़की है। रविवार देर रात को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने यहां छात्रों, फैकल्टी मेंबर पर हमला कर दिया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए। देर रात को यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या हुआ, अब उसकी कहानी सामने आ रही है। जो छात्र घायल हुए हैं वह अपनी आपबीती साझा कर रहे हैं। एबीवीपी के सदस्य शिवम चौरसिया, जो कि JNU में PhD का छात्र है, उस पर रॉड से हमला किया गया था। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें टांके लगाए, इसके अलावा गले के पीछे हिस्से पर भी हमला किया गया है। शिवम के मुताबिक ये सारा बवाल रजिस्ट्रेशन को लेकर हुआ था। टांके लग जाने के बाद शिवम को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। JNU में रविवार को छात्रों पर हुए मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में कई शिकायतें मिली थीं, जिन्हें क्लब करके एक केस बनाया गया है। पुलिस ने कुछ हमलावरों की पहचान भी कर ली है। पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। पुलिस ने JNU प्रशासन से CCTV फुटेज मांगे हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने जनसंपर्क अधिकारी MS रंधावा ने छात्रों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। JNU परिसर में रविवार रात उस वक्त हिंसा भड़क गई थी जब लाठियों से लैस कुछ नकाबपोश लोगों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया था और परिसर से संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद प्रशासन को पुलिस और बुलानी पड़ी थी। इस हमले पर JNU छात्र संघ की अध्यक्ष आयशे घोष सहित 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हिंसा हुई है। रविवार देर शाम को ही इस हिंसा के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली सरकार और पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यही कारण है कि नेता लगातार इस मुद्दे पर हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल ने रविवार शाम को ही JNU में हिंसा की निंदा की थी और दिल्ली पुलिस से एक्शन लेने के लिए अपील की थी। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट कर लिखा है कि JNU में जो भी हुआ उसको लेकर हैरत है, पुलिस को तुरंत हिंसा को रोकना चाहिए। अगर छात्रों पर इस तरह हमला किया जाएगा तो देश किस तरह तरक्की करेगा। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने JNU हिंसा मामले पर उपराज्यपाल अनिल बैजल से भी बात की थी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि उपराज्यपाल तुरंत दिल्ली पुलिस को एक्शन लेने का आदेश दें। बढ़ते हैं आगे। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में रविवार को शीतलहर जारी रही। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली में दिन में धूप निकली और अधिकतम तापमान मौसम के औसत से 2 डिग्री ऊपर 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस मौसम के लिए सामान्य है। सोमवार को दिल्ली में सुबह 7 बजे का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और आज बारिश भी हो सकती है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते शहर में 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच किसी भी समय हल्की वर्षा हो सकती है। केंद्र की BJP सरकार के जरिए पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर भारतवर्ष में मुस्लिम भाइयों ने भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है, उसको दूर करने के लिए यूपी की राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जनपद के प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने जिला स्तर पर समाज के सभी वर्गों को लेकर पूरे शहर में पदयात्रा रैली निकाली।
साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। साथ ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सीए के विरोध में राज्य और केंद्र में जो भी हिंसक घटनाएं हुई हैं उसमें पूरा हाथ विपक्षी पार्टियों का है, जबकि नागरिकता संशोधन कानून 2019 सिर्फ भारत में शरण लेने वाले सभी धर्मों के लोगों के जीवन में आशा, विश्वास, सुरक्षा और आस्था का एक नया संचार हुआ है। साथ ही उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला है। इस कानून से किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं होगी। आज के दिन 5 जनवरी 2020 पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक जन जागरण अभियान के माध्यम से आज इसकी शुरुआत दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के माध्यम से इस अभियान को नीचे एक एक गांव तक, एक एक जन तक, एक एक मोहल्ले तक, गली गलियारों तक, एक एक जन तक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इस यथार्थ को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का एक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत आज से इस देश के अंदर हुई है। बरेली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी फंडिंग करके उत्तर प्रदेश में पत्थर चलवा रही हैं, जो यूपी 3 साल से शांति चला रहा था उस शांति को भंग करवा रही हैं। उत्तर प्रदेश इतना शांति से चल रहा है लेकिन प्रियंका गांधी क्यों यूपी में दंगा भड़काना चाहती हैं, हिंसा कराना चाहती हैं, ये मध्य प्रदेश राजस्थान में क्यों नहीं करती। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी हिंसा फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। सपा एक घर की राजनीति, परिवार की राजनीति कर रही है। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जो काम नहीं हुआ है, जिसके कारण लोग नरकीय जीवन जी रहे थे, जो लोग 70 सालों से ऐसा नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, पहली बार ऐसे नेता ने जन्म लिया जिसने सीए कानून बना दिया। किसी मुसलमान को निकालने के लिए ये योजना नहीं बनाई गई है। चलिए बात असम की। जोरहाट राज्यसभा सांसद कामाख्या प्रसाद आसो के जरिए गुवाहाटी में हुए बीजेपी की एक सभा में आसो के सचिव लूरिन ज्योति गोगोई की आलोचना करने के बाद आज जोरहाट की सड़कों पर सांसद कामाख्या प्रसाद आसो का पुतला फूंका गया। जोरहाट आंचलिक छात्र संस्था ने आज सांसद तासा का पुतला फूंककर इस बात की कड़ी निंदा करने के साथ तासा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संस्था के विजय शंकर बर्दली ने इस दौरान एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए लिखा है कि चुनाव के दौरान चिड़िया की तरह इधर उधर भटककर चुनाव में हारने वाले तासा का संस्था के सचिव लूरिन ज्योति गोगोई के खिलाफ आलोचना करने का कोई हक नहीं बनता है। साथ ही विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि साल 2014 में परिवर्तन के नाम पर जोरहाट बनने वाले कामाख्या प्रसाद तासा ने इस कार्यकाल में कुछ भी उल्लेखनीय काम नहीं किया, जिसके कारण गत चुनाव में उन्हें चुनावी मैदान से ही हटा दिया गया था। दिल्ली की सरगनाहों के पास सर झुकाकर राज्यसभा सांसद बनने वाले कामाख्या प्रसाद तासा ही शायद जोरहाट के सबसे आक्रमण লড়ি ফুড়া কুকুরার দরে পরিভ্রমী চড়ার দরে যতে ততে ঘুরি ফুড়ে আর যতে মন যায় ততে ইলেকশন খেলে আর যতে ইলেকশন খেলে ততে হায় কিন্তু পরিবর্তনের ঘৌ সুবাদত কোনো মতে বিরাস্ত হল আর পরবর্তী সময়ত অকমন্যতার কারণে কাম কাজত কোনো গুরুত্ব প্রদান নকরার কারণে জনগণের ওষুধ গ্রহণযোগ্যতা হেরালে অকল জনগণে নহয় নিজ দলটির ওষুধ গ্রহণযোগ্যতা হেরালে যার ফলশ্রুতি করা হল আর টিকট নাপায় বিয়া বিষাবে আবেগি গৈ বিভিন্ন কথা কৈ গৈছে আৰু এই সাংসদগৰাকীয়ে বহুমন্ত্ৰী সাংসদগৰাকীয়ে বিগত সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্নজনক নীতি শিক্ষা দিয়ে আজি সদৌসম ছাত্রপন্থাৰ জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত গণতান্ত্ৰিকভাৱে অহিংসাভাৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমাৰ असम राज्य के नलबारी गर्दन खेल पठार में आज खेलो इंडिया अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। इस अनुष्ठान में नलबारी के डीसी भारत भूषण देव चौधरी उदादित्य गोगोई के साथ नलबारी खेल विभाग के सभी लोग उपस्थित थे। अनुष्ठान के साथ साथ तर्स रैली भी निकाली गई। रैली में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
नलबारी से कोर्स के लिए हुआ है, तो इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट का हर स्टूडेंट, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ आया है। और हमारे जो डीसी सर ने आज शुरुआत किया है, सर को हेल्प किया है हमारे डीडीसी सर अश्विनी डोले, एडीसी विदेश रूपेश सर, कल्पना बोरागोहाय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है वो भी आया है। तो एक अच्छा एक शुरुआत है, हम लोग चाहते हैं जो चीफ मिनिस्टर सर का सर्वानंद सोनोवाल जी का सपन है, ड्रीम दिख रहा है गुवाहाटी को साफ बनने के लिए जा रहा है। और इसीलिए हम आयोजक को धन्यवाद कहते हैं कि हम पहले नलबारी से शुरू किया है, तो नलबारी पब्लिक ने पूरा सभी को हम लोग को स्वागत किया, इसलिए हमने हमारे तरफ से। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।